हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जोशी। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर है फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर का आज का अपना टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एडवांटेज ऑफ टू क्रॉप्स। अगर दो क्रॉप्स को एक साथ बोया जाए वन बाय वन, जैसे फर्स्ट टाइम हमने किसी सीरियल्स को ग्रो कर दिया, फर्स्ट टाइम हमने सीरियल क्रॉप को ग्रो कर दिया एंड सेकेंड टाइम पल्सेज को ग्रो कर दें, तो बेनिफिट क्या? अगर हम टू क्रॉप साइमल्टेनियसली एक के बाद में एक क्रॉप को ग्रो करें उससे बेनिफिट, अगर एक ही टाइप की क्रॉप कंटिन्यूसली सेम लैंड पे ग्रो करेंगे तो लैंड क्या हो जाएगी? अनफर्टिलाइज हो जाएगी। उस लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए हम एक क्रॉप के बाद में दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सीरियल्स का, एक सीरियल क्रॉप को ग्रो किया, जब वो क्रॉप मैच्योर हो जाती है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद में उसी लैंड पे पल्सेस को ग्रो कर दिया जाता है, या उन दो क्रॉप को एक साथ मिक्स फार्मिंग की जाती है जिससे एक क्रॉप के जो अनवांटेड, जैसे एक क्रॉप के जो भी पदार्थ बचे वो दूसरी क्रॉप के साथ में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। कुछ पार्ट है, कुछ लीफ है, वो दूसरी क्रॉप के साथ में एक डीकम्पोज जाती है, उसके साथ मिक्स हो जाती है और एक न्यूट्रिएंट का काम करती है। तो टू क्रॉप को एक साथ मिलाने के फायदे क्या है? फर्स्ट है एडवांटेज ये है कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सॉइल जो एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करने से अनफर्टिलाइज होती है, अगर हम दो क्रॉप एक साथ ग्रो करें तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती जाती है। सेकेंड है अल्टीमेटली यील्ड ऑफ द क्रॉप इज इम्प्रूव, लगातार जो क्रॉप की यील्ड है, पैदावार है, क्रॉप जो कम ग्रो हो रही है उसकी पैदावार क्या हो जाती है? इससे अधिक होती है, मेंटेन रहती है। तो ये था, अब हम पढ़ते हैं मैन्यूर और फर्टिलाइजर क्या होता है। जब फार्मर खेत में फसल ग्रो करता है तो उसकी अच्छी यील्ड के लिए, गुड यील्ड के लिए, अच्छी पैदावार के लिए वो क्या करता है? कुछ ऐसे सब्सटेंस का, कुछ ऐसे मेथड्स का यूज करता है जिसके थ्रू वो उसकी जो क्रॉप है उसकी यील्ड क्या हो? अधिक हो। उसके लिए फार्मर क्या करता है? मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करता है। और मैन्योर और फर्टिलाइजर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर जिनका यूज किसान करता है खेतों में, वो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको फार्मर क्या करता है? सॉइल में मिक्स करता है, सॉइल के साथ मिक्स करता है और वो सॉइल को क्या करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जिससे जो क्रॉप होती है वो क्या होती है? हेल्दी होती है। सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल बाय थ्रू विच यील्ड ऑफ अ क्रॉप इज ए गुड क्वालिटी एंड क्रॉप गेट अ सफिशियंट न्यूट्रिएंट, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड मैन्योर द फर्टिलाइजर। तो ये सब्सटेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस विच आर द एडेड टू द सॉइल, जो सॉइल में मिक्स किए जाते हैं, किसकी फॉर्म में? न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, पोषक तत्व होते हैं उनकी फॉर्म में मिलाए जाते हैं सॉइल में फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, जिससे प्लांट की क्या होती है? हेल्थी ग्रोथ होती है। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर दो अलग अलग वर्ड है। मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योर होते हैं जिन्हें जो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, क्या होते हैं? नेचुरल। जबकि फर्टिलाइजर होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। मैन्योर होते हैं जो नेचुरली बनते हैं, जैसे प्लांट है उसकी रेसिड्यू है, या फिर एनिमल डंग है, या फिर अदर को भी ऑर्गेनिक मैटर, उससे मैन्योर बनते हैं। जबकि फर्टिलाइजर होते हैं सिंथेसाइज होते हैं, जो मेनली कहां बनते हैं? लेबोरेटरी में बनते हैं, लैब में बनते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और ये होते हैं इनऑर्गेनिक। अब हम मैन्योर की बात करें, जो बनते हैं नेचुरली बनते हैं, वो थ्री टाइप के होते हैं। फार्मयार्ड मैन्योर, फार्मयार्ड फर्स्ट टाइप है अपना फार्मयार्ड मैन्योर। फार्मयार्ड मैन्योर वो होते हैं जो फार्म में बनते हैं, खेतों में बनते हैं अपना आप ही। जैसे कोई एक क्रॉप है उसका कुछ रेसिड्यू बचा है, उसकी लीव्स है या उसके स्टल्क है कुछ भी बचा है, या फिर एनिमल डंग है, या कुछ अदर
फूड मटेरियल है खाने पीने का वेस्टेज है, वो क्या होता है टाइम के, वो जमीन के अंदर बरीड किया जाता है और टाइम के साथ वो क्या हो जाता है डीकम्पोज होता है, उससे बनता है फार्म यार्ड मैन्यूर। सेकेंड है कंपोज मैन्यूर, कंपोज मैन्यूर होता है कंपोजिंग से, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसकी कंपोजिंग की जाए, उसको डीकम्पोज किया जाए किसी एक मेथड के थ्रू, वो होता है कंपोज मैन्यूर। इसमें प्लांट की यूज हो सकती है या फिर एनिमल हो सकता है। और एक होता है ग्रीन मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूर होता है जो प्लांट होते हैं पौधे होते हैं उनकी हरी पत्तियां हैं या फिर कोई भी प्लांट है जो ग्रो हो रखा है उसका हरा पार्ट है, वो जब सूख जाता है डीकम्पोज धीरे धीरे शुरू हो जाता है, उससे जो मैन्यूर बनता है वो होता है ग्रीन मैन्यूर। ये तो थे जो नेचुरली बनते हैं मैन्यूर जिन्हें खेतों में बना सकते हैं ऑर्गेनिक मेथड से, ये थोड़े न्यूट्रिएंट फुल होते हैं। सेकेंड है फर्टिलाइजर, जिसको हमने कहा कहां बनाते हैं लेबोरेटरी में बनाते हैं सिंथेसाइज करते हैं उनको एक प्रोसेस के थ्रू। जैसे हम फर्टिलाइजर की बात करें तो कुछ फर्टिलाइजर जैसे लेबोरेटरी में बनाए हैं एनपीके सीएन, जो इन फर्टिलाइजर के जो बॉक्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है एनपीके सीएन। यहाँ पर जैसे एन है नाइट्रोजन हो गया, पी पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सी जैसे कैल्शियम हो गया, ए अमोनिया हो गया, एन नाइट्रोजन हो गया, ये कुछ फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है, डिस्क्राइब कर दिया मैंने। अब इनके बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हम बुक में पढ़ेंगे। स्टूडेंट अब हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर रीड करते हैं बुक में। एप्लीकेशन ऑफ द मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, क्रॉप प्लांट ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। क्रॉप प्लांट जो भी होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट मिनरल की जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी सॉइल से करता है। कंटिन्यूअसली ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप इन अ सक्सेसिव रेंडर द सॉइल डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट, दिस रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। इससे क्या हो जाता है क्रॉप यील्ड, जो फसल की पैदावार कम कब होती है जब एक ही तरह की जो फसल है बार बार उसी जगह पे बार बार उगाई जाए। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम इफ द फील्ड आर द लेफ्ट अनकल्टिवेटेड ऑफ द फील्ड ओवर द सम टाइम। फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ द अलाउइंग द लैंड नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट एंड इट इज अ लीव फॉर द फ्री फॉर द वन ऑफ द मोस्ट सीजन। द डेड प्लांट एनिमल्स एंड द अदर ऑर्गेनिक मैटर दैट गेट द कलेक्टेड ऑन द फील्ड आर द डीकम्पोज एंड द माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो अगर किसी फील्ड को कुछ समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, उसमें कोई फसल नहीं ग्रो की जाए एक या दो सीजन में, तो उसमें जो डेड प्लांट है एनिमल है या दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे क्या होंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको डीकम्पोज कर देगा, और डीकम्पोज होने से वो फील्ड क्या हो जाएगा न्यूट्रिएंट हो जाएंगे उस फील्ड में न्यूट्रिएंट्स वाले। तो ये बेनिफिट है किसके, अगर उस फील्ड को कुछ समय के लिए अनकल्टिवेट किया जाए, देयरफॉर द न्यूट्रिएंट आर रिटर्न टू द सॉइल। इस तरह से उस सॉइल को वापस न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। सिंस द फील्ड कैन नॉट बी अनकल्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजन, फार्मर हैव बीन द एडिंग द सर्टेन सब्सटेंस टू द सॉइल टू रिप्लेस द सॉइल टू द न्यूट्रिएंट एंड अदर मेथड टू ओवरकम द प्रॉब्लम द सॉइल डेफिशिएंसी द कॉल्ड द मिक्स क्रॉपिंग। तो जो फार्मर होते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग फसल बोते हैं, लेकिन अपने फील्ड को इकोनॉमिक रीजन अर्थव्यवस्थिक रूप से अनकल्टिवेट नहीं छोड़ सकते, इसलिए फार्मर कुछ दूसरे मेथड भी सॉइल के साथ में उनके न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए करते हैं। वो अलग मेथड क्या करते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो वो उसके लिए सॉइल की डेफिशिएंसी को पूर्ण करने के लिए मिक्स क्रॉपिंग का की सहायता लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड पीस ऑफ द फील्ड इज नोन एज अ मिक्स क्रॉपिंग। यानी एक ही फील्ड पे लगातार एक के बाद में एक दो या दो से ज्यादा अगर फसल उगाई जाए तो ये क्या कहलाएगी मिक्स क्रॉपिंग कहलाएगी। इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन अ कंट्री, ये हमारे कंट्री में पुराने समय से चली आ रही है। फार्मर यूज द मिक्स ऑफ द सीड ऑफ द ट्रू क्रॉप एंड द सो इन द फील्ड द क्रॉप आर द चूज इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट एंड द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द वन क्रॉप हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अदर क्रॉप। फार्मर क्या करते हैं दो क्रॉप को एक साथ में ग्रो करते हैं, जिससे एक जो क्रॉप है उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो अगर
सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है तो दूसरी क्रॉप के लिए वो क्या होता है, एक तरह से न्यूट्रिएंट का काम करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, इफ अ सीरियल क्रॉप सच एज द वीट इज अ ग्रोवन अलोंग विद द लेग्युमिनस क्रॉप सच एज द पल्सेस एग्जांपल ग्राम, देन द अपटेक ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल बाय द सीरियल्स इज द कंपोज बाय द एडिशन द नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय द नाइट्रोजन फिक्सेस इन लेग्युम्स, दिस हैज द टू एडवांटेज। तो इस तरह से जैसे एग्जांपल हमने एक सीरियल क्रॉप जैसे गेहूं के साथ में एक पल्सेस ग्रेम दाल का कोई दाल ले ली और उनको एक साथ ग्रो कर दिया, तो दाल क्या करेगी, सॉइल से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी और उस नाइट्रोजन को प्रोवाइड करवाएगी किसको, दूसरी जो क्रॉप है उसको प्रोवाइड करवाएगी। इससे दो फायदे हैं, दो फायदे क्या है, द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल इंक्रीज, सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती है, अल्टीमेटली यील्ड ऑफ द क्रॉप इज इंप्रूव, और जो क्रॉप है उसकी पैदावार भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। The substance which are added in the soil in the form of nutrient for the healthy growth of the plant are called the manure or the fertilizer. ऐसे कुछ पदार्थ जिनको फार्मर मिलाता है किसके साथ में, सॉइल के साथ में, ताकि उस सॉइल में न्यूट्रेंट पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और प्लांट प्रॉपरली ग्रो हो। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, मैनुअर और फर्टिलाइजर कहलाते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैनुअर और फर्टिलाइजर उगाया जाता है उसे मैन्यूरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर, मैन्यूर और फर्टिलाइजर उगाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, मैन्यूरिंग कहा जाता है। सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने समय से ही पीपल हैव बीन यूजिंग मैन्यूर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट एंड द अदर नेचुरल मटेरियल्स टू द हेल्प ऑफ द प्लांट ग्रोथ। पुराने समय से ही जो किसान है वो मैनुअर का यूज कर रहा है, मैनुअर जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है एनिमल के या प्लांट के हैं या फिर दूसरे कोई भी मटेरियल है, उनको प्लांट के साथ में उस खेत में उस फील्ड में डाल दिया जाता है ताकि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाए जो फसल हमने ग्रो की है। मैनुअर इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, मैनुअर होते हैं उनमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, रिच होते हैं, यानी मैनुअर होता है एक तरह से प्राकृतिक होता है, खाद जिसे कहते हैं। मैनुअर आर थ्री काइंड, फार्मयार्ड मैनुअर, कंपोज एंड ग्रीन मैनुअर। मैनुअर मैनुअर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक फार्मयार्ड मैनुअर जो फार्म में बनता है जो गोबर वगैरह, कंपोज एक बनाया जाता है वर्मी कंपोज वगैरह है ये इसका एग्जांपल हो गया, और एक ग्रीन मैनुअर जो पौधों का बनता है, ये तीन तरह के होते हैं। फार्मयार्ड मैनुअर कंसिस्ट ऑफ द कैटल डंग, जिसमें क्या होता है मैंने बताया कैटल डंग जो जीव जंतु होते हैं उनका जो डंग होता है वो होता है, यूरिन होता है, रेमिनेंट ऑफ द स्ट्रॉ, फार्म यार्ड वेस्ट जो भी फार्म के जो दूसरे जो भी वेस्ट होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। ऑल दीज आर द मिक्स्ड टू अलाउ द ड्राई इन द सन, इन सभी को मिक्स किया जाता है और सनलाइट में सूख दे दिया जाता है। सब्सिक्वेंटली इट इज यूज एज अ मैनुअर, इसका यूज किया जाता है उसके बाद में मैनुअर के रूप में। कंपोज इज अ मैनुअर ऑब्टेन बाय द डीकंपोजिशन ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग कंपोज इज कॉल्ड कंपोजिंग। कंपोज क्या होता है, जिसमें एनिमल का वेस्ट है या फिर डेड प्लांट है उनको क्या किया जाता है, कंपोज के डीकंपोज किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोजिंग कहते हैं। ग्रीन मैनुअर कंसिस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट, ग्रीन मैनुअर में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं, ग्रीन प्लांट शामिल होते हैं विच आर प्लाउड अलोंग विद द सॉइल, जिनको सॉइल के सॉइल में प्लाउ किया जाता है। जनरली क्विक ग्रोविंग लेग्युमिनस प्लांट आर यूज एज ग्रीन मैनुअर, ग्रीन मैनुअर के रूप में हम किसका यूज करते हैं, लेग्युमिनस प्लांट का। अंदर वे द एनरिचिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स इज बाय एडिंग फर्टिलाइजर, दूसरा जो वे है वो क्या है, फर्टिलाइजर यूज करके हम न्यूट्रिएंट बढ़ा सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। फर्टिलाइजर आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कंटेनिंग न्यूट्रिएंट, जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है या फास्फोरस भी होते हैं। दे आर मेड इन अ फैक्ट्रीज, उन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है, यानी मैनुअर होता है उसी खेतों में बनाया जाता है, जबकि फर्टिलाइजर होता है उन्हें मुख्य रूप से फैक्ट्री में बनाया जाता है। डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज फॉर द डिफरेंट प्लांट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। अ बैग ऑफ फर्टिलाइजर में भी द मार्क्ड बैग होते हैं फर्टिलाइजर, उनके ऊपर मार्क किया होता है एनपीके सीएएन एक्सेट्रा। एनपीके मीन्स होता है फर्टिलाइजर बैग कंटेनिंग नाइट्रोजन, एनपीके एन मीन्स नाइट्रोजन, पी मीन्स फॉस्फोरस एंड के मीन्स पोटेशियम, वाइल सीएएन की बात करें तो सी मीन्स हो गया अपने कैल्शियम, ए मीन्स हो गया अमोनिया,
और एन मिस हो गया नाइट्रेट। कुछ कॉमन फर्टिलाइजर जैसे यूरिया अमोनिया वगैरह उनका हम यूज करते हैं। ये हो गए मैन्योर और फर्टिलाइजर, इनके बारे में डिफरेंस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।